केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हेलीकॉप्टर से शनिवार को डिंडोरी जिले के शैपुरा मुख्यालय पहुंचे, लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जनसभा स्थल पर पहुंचे और भाषण देना शुरू किया तो वहां बैठी जनता तुरंत उठकर जाने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते रहे और जनता धीरे धीरे जनसभा से रफू चक्कर होती रही। ये सारा नजारा वहां मौजूद लोगों ने अपने फोनों में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, जब ये तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनसभा स्थल पर पहुंच रहे थे उस दौरान भी रास्ते में कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी हुई। दरअसल कल जब डिंडोरी जिले के शैपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पहुंचे तो वहां कांग्रेसियों ने हेलीपैड पर इन नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी के बाद सभी नेता हेलीपैड कार में बैठकर कार्यक्रम स्थल की ओर जा ही रहे थे, तभी उत्कृष्ट विद्यालय के पास खड़े युवाओं ने गाड़ी रोककर कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी के बाद पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गई। इसी के बाद शैपुरा के वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम में कांग्रेस की जनसभा में ये सभी नेता पहुंचे। यहां सबसे पहले डिंडोरी के कांग्रेस विधायक व प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने सभा को संबोधित किया। उसी के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा की शिवराज सरकार पर कमल हमला बोला। साथ ही कांग्रेस सरकार बनने पर लोक लुभावनी घोषणाएं की भी कर दी। लेकिन कमलनाथ के भाषण के बाद जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने के लिए खड़े हुए तो आधी से ज्यादा जनता उनके सामने से ही खिसकने लग गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को जिताने की आम जन से अपील कर डाली। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान जिस तरह से जनता भाग निकली उसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।